के रवाना हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के साथ उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब यहां से लेकर के रवाना हो रही है। हालांकि मुख्तार अंसारी के गाड़ी में जा रहा है मुख्तार अंसारी के वकील हमारे साथ मौजूद है। ये बताए, बैठो भाई, जल्दी बैठो, थोड़ा एक बार फिर से जिस वैन में अंसारी को भाषा जेल से लाया गया था उसी वैन में दोबारा बैठाया गया और अब यहां से ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभी ये जानकारी कोर्ट से नहीं मिल पाई है कि रिमांड कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है कि नहीं, लेकिन अब देख सकते हैं वैन का दरवाजा यहां पर बंद हो गया के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के साथ उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब यह इसके साथ में भैया आ जाओ, क्योंकि वो बांदा जेल में निरुद्ध हैं अन्य मामलों में, तो उनका 167 का वारंट इस केस में बनवाने के लिए वारंट भी भेजवाया था, जो 267 CRPC में प्राविधान है उसके तहत जिला जज महोदय ने उनको आज तलब किया था। आज सुबह करीब 10:30 बजे उनको पेश किया गया और उनका 167 में वारंट बनाया गया। उसके पश्चात ED वालों ने उनको ED की कस्टडी के लिए आवेदन किया, जिसको माननीय जिला जज महोदय ने दिनांक 23/12/22 को 2 बजे तक के लिए ED की कस्टडी में प्रदान किया गया है और सारे सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं को भी अनुमति प्रदान की गई है कि वो अधिवक्ताओं से अपने बात कर सकते हैं, जिसके लिए 4 अधिवक्ता नामित किए गए हैं। आप लोगों का कुछ विरोध भी किया गया? विरोध ये किया गया कि हम लोगों को जब दूसरे जेल में बंद है उनसे पूछताछ की जा सकती है और इसमें ना कोई रिकवरी होनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसमें पुलिस कस्टडी या ED की कस्टडी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिला जज महोदय ने जो उचित समझा उसके अनुसार उन्होंने आदेश पारित किया है। हाँ, ED के जुड़े मामले में उनका 167 का वारंट बनाया गया, फिर उनको पुलिस ED की कस्टडी में दिए जाने का 10 दिन का समय दिया गया। ED अपना पूछताछ जो कुछ करे दिनांक 23 तारीख को ला करके 2 बजे तक उनको पुनः न्यायालय में दाखिल करना, उसके बाद फिर जो अग्रिम आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। वकील साहब बताइए कि आज पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की, क्या हुआ आज कोर्ट में और कितनी देर करीब वहां पर रहे, क्या मांग की ED ने? कुछ इलीगल संपत्तियों के मसले में जो है ED ने जो है क्वेरी की थी, उससे उसी से रिलेटेड जो है 14 दिन के लिए रिमांड के लिए आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलाहाबाद के कोर्ट में विधायक मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, जहां पे कोर्ट ने तमाम बातें सुनी, उनके वकीलों की सुनी और ED के वकीलों की सुनी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर कुछ देर बाद जब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कितने दिन की उनको रिमांड प्रोवाइड की जा रही है। कितने दिन की रिमांड मांगी थी? ED ने 14 दिन के लिए रिमांड मांगी है। नाम बता दे अपना। शम्सुल इस्लाम, एडवोकेट। क्या
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इलाहाबाद। भैया बस अभी कोई गेट पर खिलाइए गेट गाड़ी से उतर के